टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भारतीय टी20 टीम के कप्तान के रूप में सोमवार को अपना अंतिम मैच खेला। दुबई में नामीबिया के खिलाफ खेला गया टी20 विश्व कप 2021 का ये मैच भारत के विश्व कप अभियान का अंतिम मैच भी था, क्योंकि टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। कप्तान के रूप में कोहली का ये अंतिम टी20 मैच होने के साथ साथ 50वां टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी था, जहां भारतीय टीम ने जीत के साथ उनको विदाई दी। इस जीत के बाद कप्तान विराट कोहली भी भावुक हो गए थे। खैर, विराट कोहली की टी20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने के बाद से ही इस बात को लेकर घमासान हो रहा है कि विराट कोहली की जगह टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया जाएगा। तो खैर, नए कोच को लेकर तो मादा खुल चुका है। नए कोच राहुल द्रविड़ होंगे, लेकिन राहुल द्रविड़ के साथ में टी20 की कप्तानी किसे संभाली जाएगी, इस बात को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। इस लिस्ट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार दिग्गज अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। रोहित शर्मा की जगह बाकी तीन इन खिलाड़ियों को प्रायोरिटी दी जा रही है। जी हां, टीम इंडिया को नया युवा कप्तान भी मिल सकता है। आइए जानते हैं टीम इंडिया की नई कप्तानी को लेकर चार खिलाड़ी कौन से हैं प्रबल दावेदार, इस एक खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो खैर, कप्तान विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने के बाद अपने अंतिम मुकाबले में बतौर कप्तान भावुक हो गए और उन्होंने जो कुछ खुलासा किया है, आइए पहले तो वो जानते हैं विराट ने क्या कहा, उसके बाद जानेंगे उन चार खिलाड़ियों के नाम जो है प्रबल दावेदार विराट की कप्तानी लेने के लिए, और इनको लेकर अब घमासान हो रहा है। नामीबिया के खिलाफ जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा, मुझे थोड़ी राहत मिली है। सबसे पहले चीजों को सही तरह से रखना होता है। मेरे लिए शायद ये सही समय था कि 6-7 साल व्यस्त कार्यक्रम के बाद अपने वर्कलोड को सही से संभालूं। इस वजह से विश्व कप में आगे नहीं जा सके, लेकिन हमने अच्छा खेला। मेरे लिए टीम के खिलाड़ियों का योगदान रहा, यही हॉलमार्क रहा। कप्तान के रूप में 67% जीत का रिकॉर्ड पर कप्तान कोहली ने कहा, मैं ऐसी टीम नहीं जो टॉस आने या जीतने पर बहस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, पहले दो मैचों में हम साहसी नहीं थे। कोच के रूप में आखिरी मैच में मौजूदा रवि शास्त्री और टीम इंडिया के सपोर्ट पर विराट ने कहा, शानदार, शुक्रिया उन सभी लोगों का, टीम को एक साथ बनाए रखा, शानदार माहौल रखा, इतने लंबे समय तक उनके साथ रहने में ये एक परिवार की तरह हो गया है, बहुत बड़ा शुक्रिया सबको। आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के नाम जो टी20 की कप्तानी लेने के हैं प्रबल दावेदार। इनमें सबसे पहला नाम श्रेयस अय्यर का आता है। मुंबई के 26 वर्षीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत साल 2017 में की थी। कप्तानी की बात करें तो आईपीएल 2018 में अय्यर को दिल्ली डेयरडेविल्स का कप्तान नियुक्त किया गया था। इसके बाद आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था। श्रेयस अय्यर ने हाल में फैसला किया है कि वो अगले सीजन दिल्ली कैपिटल का साथ छोड़कर खुद का नाम नीलामी में देंगे। अय्यर एक लंबे समय के बाद किसी और नई टीम में नजर आ सकते हैं, खासकर उन्हें कई टीम अपना कप्तान बनाना चाहेगी। इसलिए आज से ये कहना गलत नहीं होगा कि वो भारतीय टीम की कप्तानी के प्रमुख दावेदार है, अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचता है कि किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए। इस लिस्ट में दूसरा नाम केएल राहुल का आता है। अगर भारत को एक नया कप्तान बनाना है तो केएल राहुल अच्छे विकल्प है। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इंग्लैंड में भी उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी। वे आईपीएल के साथ साथ 50 ओवर क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन कर रहे हैं। अगला टी20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, जिसे कोविड-19 के कारण एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। भारत 2023 में वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ऐसे में केएल राहुल के पास भारत का अगला कप्तान बनने का मौका होगा। केएल राहुल बेहतरीन कप्तान है, शानदार विकेट कीपर है और गजब के बल्लेबाज है। तो दूसरे बड़े नाम तो केएल राहुल का ही आता है। तीसरा बड़ा नाम ऋषभ पंत का आता है। ऋषभ पंत टीम इंडिया के अगले कप्तान बन सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में पंत ने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और यही कारण है कि उनकी तीनों फॉर्मेट में जगह पक्की हो चुकी है। ऋषभ पंत के पास एक स्मार्ट दिमाग है। ऋषभ पंत में कप्तान बनने के सारे गुण मौजूद है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल की कप्तानी करते हुए पंत ने शानदार काम किया है। सबसे बड़ा और चौथा नाम जो है वो रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा भारत के अगले कप्तान बनने के लिए सबसे पहली पसंद होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। रोहित शर्मा को बतौर कप्तान बड़े टूर्नामेंट जिताने में माहिर माना जाता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है। रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को स्टैंड बाय कप्तान होते हुए एशिया कप और निदास ट्रॉफी सीरीज अपने नाम करवाई है। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए।
रोहित शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी की तरह कुल कप्तान भी माना जाता है। चार बड़े प्रबल नाम है जहाँ पर इनको कप्तानी या उप कप्तानी सौंपी जा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान T20 फॉर्मेट में किसे बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।